स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल UK06 में। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ मैमिक्री, मतलब जितने भी फिल्म स्टार की मैमिक्री मतलब मुझे आता है तो उनकी वॉइस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ये तो है ही है। और ऐसे ही प्यार बरसाए रखना दोस्तों। तो मैं आज करने वाला हूँ मैमिक्री, बने रहा वीडियो के साथ, करते हैं स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं फिल्म एक्टर डैनी का आवाज, तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। शमशान घाट के मुर्दों, त्रिकाल से बच के रहना, नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह मचल देंगे। तो ये तो था डैनी साहब का आवाज। तो नेक्स्ट आवाज निकालते हैं, तो सैंदियाल का आवाज कुछ अलग निकालने वाले हैं, तो देखिए कैसे क्या होता है। एक बार की बात है, जैसे सैंदियाल मतलब छोटे थे, तो मतलब मैं छोटे में घुमा दे रहा हूँ, तो मतलब छोटे थे तो मतलब उनके पापा से मतलब पटाखे के लिए मतलब रिक्वेस्ट करे, तो कैसे करेंगे? पापा आपने बॉबी को पटाखा खरीद दिया, मुझे नहीं दिया, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ पापा। तो ये तो था सैंदियाल की आवाज। और सैंदियाल का दूसरा डायलॉग भी है, यह मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, तू कहे तो भोकू, तू कहे तो काटू, मर्द बनने का इतना ही शौक है ना कातिया, तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। तो ये तो था सैंदियाल की आवाज। मतलब तो अब हम निकालने वाले हैं मतलब बंगाली एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी का आवाज। तो मिथुन चक्रवर्ती जी पहले जैसे मतलब बोलते थे फिल्मों में, तो मतलब कैसे बोलते थे? मिथुन चक्रवर्ती जी मतलब बंगाली एक्टर है ना, तो मैं भी बंगाली हूँ, तो उनका मतलब मैं थोड़ा बहुत सुना देता हूँ कैसे क्या सुनाते थे। पहले के पिक्चरों में ऐसे ही सुनाते थे। और मिथुन चक्रवर्ती का दूसरा डायलॉग जैसे पिक्चरों में मतलब मिथुन चक्रवर्ती जी मतलब कहीं भी मतलब मूवी करते हैं ना, तो मतलब उस मूवी में लास्ट में मतलब उनको गोली लगता है ना, तो मतलब वो मरते नहीं इतना जल्दी, देखना ये चीज़ का ध्यान रखना। मिथुन चक्रवर्ती जी मतलब फिल्मों में मरते नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं। अम्मा आप उनको गोली लगा रहा है। तो यह है मिथुन चक्रवर्ती जी का आवाज। और नेक्स्ट आवाज मैं आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों अब हम निकालने वाले हैं आवाज, यानी कि संजय दत्त का मतलब छोटा मोटा मतलब एक डायलॉग मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, मतलब जो संजय दत्त को तो आप जानते ही हैं, मुंबई एक्टर संजय दत्त, तो उनका एक आवाज मैं निकालता हूँ। जैसे मतलब फिल्मों में मतलब मारपीट होता है, लड़ाई होता है, तो ऐसे बोलता है, मैं किसी में एक एक को काट के फेंक दूंगा। हाँ मैं बोल दे रहा हूँ, मैं किसी में एक एक को काट के फेंक दूंगा। तो ये तो था संजय दत्त जी की आवाज। अब मैं नेक्स्ट आवाज निकालने वाला हूँ कुछ अलग। तो दोस्तों नेक्स्ट आवाज जो है अब मैं निकालने वाला हूँ अमिताभ बच्चन, बहुत ही बेहतरीन कलाकार, फिल्म जगत के हिट कलाकार है लिखी, तो उनका आवाज मैं निकालने वाला हूँ। तो अमिताभ बच्चन जी मतलब एक मूवी में पान खाते हैं, तो मतलब ऐसे ही बोलते हैं वो पान खाने के बाद। देखिए पान जब मुंह में जाता है ना, तो हर कोई ऐसे ऐसे बोलने की कोशिश करता है, तो बच्चन जी कैसे बोलते हैं पान खाने के बाद? कौन भैया जब हम पान खाते हैं तब हम ऐसे ही थूक फेंकते हैं, आई टॉक इंग्लिश, आई बात इंग्लिश, दिस इज फाइनल लैंग्वेज, दिस इज माय लैंग्वेज। तो दोस्तों अब मैं निकालने वाला हूँ मतलब मोटू पतली का, पतलू का आवाज़ तो आपने सुना, मोटू पतलू भी देखे होंगे, बच्चे बहुत देखते होंगे, तो मतलब बच्चों के लिए मैं ये आवाज़ निकालने वाला हूँ मोटू पतलू की आवाज़। तो देखिए मोटू पतलू कैसे बोलते हैं। ओहो बड़े भैया, मुझे समोसे खाना है, नहीं नहीं मुझे तो समोसे खाना है। तो ये तो था मोटू की आवाज। अब मैं पतलू की आवाज निकालने वाला हूँ। मोटू तुम समोसे पहले मत खाना। तो मोटू जी कैसे बोलते हैं? अरे मैं बिना समोसे के जिंदा नहीं रह सकता, मैं भी तो पहले खाना है समोसे। तो
दोस्तों मतलब अक्षय कुमार का आवाज़ कुछ इस तरह है, तो मैं अक्षय कुमार का आवाज़ निकालने वाला हूँ। जैसे मतलब अक्षय कुमार जी मतलब बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और फिल्म जगत के मतलब बहुत ही एक्टिंग हीरो है, और मतलब उनको मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि फाइट वगैरह जो भी होता है ना, एक्शन वगैरह, वो मतलब उनको रियल आता है। तो अक्षय कुमार जी का मैं मतलब डायलॉग एक बोल देता हूँ, तो अक्षय कुमार जी का डायलॉग किया है, हूँ मैं परवाना, कोई शम्मा तो हो, कोई रात हो, जहाँ देने को हाजिर कोई बात हो, आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद और ऊंचा कर ले, हुस्न वालों से कहो अगर इश्क देखना हो तो राजेश आके मिले। तो दोस्तों ये था अक्षय कुमार जी का आवाज, और जैसा भी है। तो दोस्तों अब हम निकालने वाला हूँ शत्रुघ्न सिन्हा जी का आवाज़, यानी कि सोनाक्षी जी के पापा का आवाज़। तो मतलब वो जब मूवी बनाते थे, मतलब उनको कोई भी मतलब कुछ बोलते थे गुंडे आकर, तो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो कैसे बोलते थे, मतलब उनका एक डायलॉग फेवरेट है, सबको पता है, तो ऐसे बोलते थे, अरे खामोश, अरे खामोश। तो ये डायलॉग उनका फेमस है। आवाज निकालते हैं दोस्तों, अब मैं कुमार शानू यानी कि सिंगर जो है मतलब उनका मैमिक्री करने जा रहा हूँ। देखिए कुमार शानू जी कैसे गाते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। तो ये तो था कुमार शानू जी का आवाज़। दोस्तों अब मैं निकालने वाला हूँ मतलब किशोर कुमार जी का आवाज़ मतलब मैमिक्री। तो देखिए किशोर कुमार जी मतलब कैसे गाते हैं और उनका वॉइस कैसा है, देखिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। तो ये तो था किशोर कुमार जी का आवाज। दोस्तों अब मैं मतलब एक टाइम में ऐसा था कि मतलब 2021 में मतलब एक सिंगर फेमस हुई थी जिनका नाम है रेणु मंडल, तो उनका कॉपी करने जा रहा हूँ, देखते कैसा होता है। तो सुनिए, सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में पहाड़ की तरह फैला दीजिए। तो दोस्तों जो हमारे चैनल में नए नए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और नया नया वीडियो आपके मोबाइल में आता रहे बिना सर्च करें। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ सर्च कर लें। तो दोस्तों ये तो था मतलब छोटा सा कोशिश मैमिक्री, और जहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।